साल नया है पर हाल वही पुराना। वर्ष 2020 में जो कोरोना संक्रमितों की रफ्तार थी उससे ज्यादा वर्ष 2021 के अप्रैल महीने में देखने को मिल रही है। खासकर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है। शुक्रवार यानी 9 अप्रैल को एक दिन में लगभग 60,000 कोरोना संक्रमित केवल महाराष्ट्र में मिले। मुंबई में एक दिन में 9,000 केस मिले जो बड़ी चिंता का कारण है। महाराष्ट्र में काम करने वाले यूपी बिहार के मजदूर वर्ग के लोग फिर से अपने घर जाने लगे हैं। उन्हें डर है कहीं पिछले साल की तरह फिर से यहां फंस न जाएं। महाराष्ट्र में कहीं कहीं लॉकडाउन है, कई शहरों में रात का कर्फ्यू है, वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन है, फिर भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी आ रही है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया था कि अगर सिचुएशन खराब रही और कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई तो महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आज सर्वदलीय बैठक में फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही और कहा कि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है 21 अप्रैल तक इतना बढ़ जाएगा कि इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। स्थिति नाजुक है और सिर्फ लॉकडाउन ही लगाना एक उपाय है। कई देशों ने ऐसा किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से जनता रोड पर आ जाएगी। सर्वदलीय मीटिंग में अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पूर्व अनुमान यही है कि महाराष्ट्र में सोमवार से पूर्व लॉकडाउन लग सकता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।